नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आईपीओ, म्यूचुअल फंड और एसआईपी। तो आ जाते हैं एंजल वन की एप्लीकेशन पर। एंजल वन की एप्लीकेशन में हम बात करेंगे आईपीओ की। यहाँ पे आईपीओ का सेक्शन है, जैसे हम आईपीओ पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ओपन एंड अपकमिंग आईपीओज दिखेंगे। ये ओपन एंड अपकमिंग आईपीओज हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे पैरागॉन फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड की। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको दिखेगा इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1,14,000 का है, जिसमें एक लॉट में 1200 शेयर्स मिलेंगे। इसका जो प्राइस रेंज है 95 से लेके 100 का है। मैक्सिमम चार लॉट ले सकते हैं, जिसमें 4,800 शेयर्स मिलेंगे, जिसका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 4,80,000 का है। आईपीओ जो स्टार्ट हुआ था वो 26 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था। ऑफर एंड होगा 30 अक्टूबर को। अलॉटमेंट 2 नवंबर का है और इसकी जो लिस्टिंग है वो 7 नवंबर की होगी। आईपीओ अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे नंबर ऑफ लॉट मेंशन करने का ऑप्शन होता है। यहाँ पे उसकी प्राइस रेंज होती है। यहाँ पे आपका आईपीओ जो यूपीआई इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिख जाएगा। जो डीमैट अकाउंट है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ से है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ लॉट में 1 मैंशन किया। जैसे ही 1 मैंशन करते हैं अप्लाई फॉर आईपीओ एक्टिवेट हो जाता है। जैसे अप्लाई फॉर आईपीओ हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपके सामने कंफर्म योर बिड का ऑप्शन आता है। जैसे आप कंफर्म करेंगे, यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, तो आपकी जो यूपीआई की एप्लीकेशन है उस पर इसके पेमेंट के एक लिंक आएगी। जैसे आप पेमेंट करते हैं तो आपका आईपीओ अप्लाई हो जाएगा। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। तो देखिए कितना इजी है एंजल वन की एप्लीकेशन में आईपीओ, म्यूचुअल फंड और एसआईपी अप्लाई करना। तो अभी अगर आपके पास में एंजल वन का डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके एंजल वन की एप्लीकेशन डाउनलोड करके डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।